On the key, not about their citizen. Yeah, so you need to know from all of them. And they're going to do. Professor Irfan Habib Sahab se darkhast hai ki aap dais pe tashreef laen. Professor Irfan Habib Sahab se darkhast hai. Dr. Parvez Ali Ahmed Sahab se bhi darkhast hai. जस्टिस बदर दुर्रेज अहमद साहब से दरखास्त है कि आप डांस में देखें. प्रोफेसर सदीकुर रहमान तिगरी साहब से. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, फ़ख़रुद्दीन अली अहमद मेमोरियल लेक्चर के इस तारीखी मौके पर मैं ग़ालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोफेसर इरफान हबीब और आप तमाम सामईन का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ. आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त आज के लेक्चर के लिए हमें इनायत किया. हज़रात, इससे पहले कि इस लेक्चर से मुतालिक कुछ गुफ्तगू हो, मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ प्रोफेसर सिद्दीकुर रहमान पिदवई साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो प्रोफेसर इरफान हबीब साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें. हजरात, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि गालिब इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर परवेज अली अहमद साहब मौजूद हैं. वो आज के जलसे की सदारत कर रहे हैं. वो तो मेज़बान की हैसियत से हैं, लेकिन आज इस वक्त वो मेहमान हैं. लिहाजा मैं जस्टिस बदर दुर्रेज अहमद साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश. ये हम सब के लिए बड़े एजाज की बात है, बड़े ऑनर की बात है, इज्जत की बात है कि प्रोफेसर इरफान हबीब हमारे बीच मौजूद हैं और वो आज इंटरप्रिटेशंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिंदुस्तान की कौमी तहरीक की तारीख पर मुख्तलिफ नजरियात, इस मौजू पर आज वो अपना खुतबा पेश करेंगे. हज़रात, ये बात हम सभी जानते हैं कि साबित सदर जमहूरिया हिंद मरहूम फखरुद्दीन अली अहमद गालिब इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे और उन्हीं की कोशिशों से ये इदारा आज न सिर्फ नेशनल लेवल पर, कौमी सतह पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उर्दू और पर्शियन वर्ल्ड में जाना पहचाना जाता है अपने कामों की वजह से, अपने रिसर्चेस की वजह से, लेक्चर्स की वजह से, सेमिनार्स की वजह से और अपने पब्लिकेशंस की वजह से. मुअज्जज़ ख़वातीन हज़रात, इस इदारे की सरगर्मियों का दायरा इतना वसी है, इतना वास्ट, इतना बड़ा है कि उसे इस मुख्तसर से वक्त में बयान करना मुमकिन नहीं है. बस यूं समझिए कि 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी का जो हमारा अदब है, लिटरेचर है, जो हमारी तारीख है, जो हमारा कल्चर है, सकाफत, चाहे वो तारीख के ताल्लुक से हो या अदब के ताल्लुक से हो, उर्दू लिटरेचर के ताल्लुक से हो या पर्शियन लिटरेचर से रिलेटेड हो, उस पर ये इदारा तकरीबन 40 सालों से काम कर रहा है. बेशुमार पब्लिकेशंस हैं, 100 से ज़्यादा सेमिनार किए हैं, बहुत लेक्चर्स किए हैं, हर प्रोमिनेंट
हिस्टोरियन, अदीब, शायर, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, चाहे वो इंडिया से ताल्लुक रखती हो या इंडिया से बाहर की, वो इस इदारे में वो लोग आ चुके हैं और उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया है वक्तन फवक्तन, टाइम टू टाइम। गालिबियात यानी गालिब रिसर्च इस इदारे का खास मौजू है और सिर्फ गालिब के ताल्लुक से हमने तकरीबन 60 से ज्यादा किताबें अब तक इल्मी और अदबी मंजरनामे में सिनारियों में पेश की। हजरत, इन तमाम सरगर्मियों के साथ साथ फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल लेक्चर हमारा सबसे प्रेस्टीजियस लेक्चर है। इस लेक्चर में प्रोफेसर नूरुल हसन, डॉक्टर बिशंबर नाथ पांडे, प्रोफेसर खलील अहमद निजामी, जस्टिस ए एम अहमदी, कुलदीप नैयर, वसंत साठे, मनीष शंकर अय्यर, प्रोफेसर मुशीरुल हसन, जनाब इंद्र कुमार गुबरा गुजराल, मूसा रजा, रफीक जकरिया और इस तरह के बहुत सारे हिस्टोरियन